सोचो आपको मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है? ये सोचो एक फ्लावर है, इसको मैंने बताया है अब क्या एक्रिलिक पेंट से करो। तो एक्रिलिक पेंट जब यूज करोगे, ये फ्लावर तो फ्लावर ही रहेगा ना, आप तो कलर ये डायरेक्शन में ही करोगे ना, कि फ्लावर बना के इसको एक बॉक्स बना दोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, है कि नहीं? तो ड्राइंग ड्राइंग है, भले वो कोई भी मीडियम में करो, मीडियम चेंज होता है, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो वैसे ही वही बात वही है मेरी, कि आपको अगर कुछ ड्राइंग दिया जाए तो आपको आना चाहिए, अगर ड्राइंग क्लियर है तो। ये मुझे सुनने को ही मिलता है, स्पेशल जो प्रोफेशनल्स आते हैं तब बताते हैं कि मुझे मुझे तो ड्राइंग आता है, मैंने तो ये किया है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं आता है, मुझे पोर्ट्रेट नहीं आता है। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, इतनी बड़ी बात क्या है पोर्ट्रेट बनाने में? बनाते तो हम लाइन से ही है ना, अलग कुछ है इसमें? एक सैंपल दिखाती हूँ चलो आपको, जस्ट समझो, चीजों को पहले समझो फिर सोचो जो मैं बता रही हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। अच्छा पकड़ो ये वाला पोर्ट्रेट जो है, ठीक है? ये मैंने आपको बनाने दिया है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैम, ये कैसे होगा, ये तो इतने सारे रिंकल्स है, ये कैसे बनाएंगे मैम? ठीक है, रिंकल्स है, लाइन्स ही तो है, वो तो देखो सिर्फ लाइन्स है, अलग तो कुछ है नहीं। अभी हर चीज को आप अगर छोटे छोटे पार्ट पे देखोगे, एकदम अलग अलग देखो, ये देखो आई के लिए ये वाला, ये तो लाइन ही है, आई बॉल में ये तो कर्व लाइन है ना, ये सारे लाइन सब तो लाइन है, अलग तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग कुछ अलग दिख रहा है? कुछ अलग अगर दिख रहा है तो बताओ, तो मैं भी सीखना चाहूंगी। मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा है, मुझे तो सारे लाइन्स ही दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे आई पे स्टार्ट किया, उसके बाद उसके नियर बाय एरिया में क्या है वो देखा, हर लाइन को मैंने ऑब्जर्व किया और बनाया, सिर्फ लाइन को ऑब्जर्व, वर्ड ध्यान रखो लाइन, क्या लाइन, हम काम कहाँ कर रहे हैं, लाइन में, मतलब हम ड्राइंग ही कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, सिंपल, बच्चे भी करते हैं ड्राइंग, ठीक है, अलग कुछ बड़ी बात नहीं है एक पोर्ट्रेट बनाना, और उसके लिए आपको वो ग्रिड लाइन ये सब इतना, उससे कुछ नहीं सीखने वाले हो, सीखने नहीं वाले हो, नॉलेज आपका 0 की 0 रहेगा अगर इस टाइप का काम करते हो तो। अगर सीखना है चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, समझना सीखो, वो आपके काम आएगा, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए काम आएगा, ठीक है? तो इतना बारीकी से जब सोच सकोगे ना, ये हर चीज को अगर ऑब्जर्व कर सकोगे तो, और एक बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाला है इससे, जो मैं आज नहीं बताऊंगी, आप लोग सीखो पहले, उसके बाद बताऊंगी क्या हुआ है, खुद ही देख लोगे, खुद ही समझ पाओगे क्या होता है, ठीक है? तो आप जब बना रहे हो ना, हर चीज को ऑब्जर्व करो, हर एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो, हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही काम करते हैं, हमारे ड्राइंग करने का मेन मोटिव यही है कि हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना, हमारा काम वही है। अभी ये तो हो गई प्रोफेशनल्स की बात, आप लोगों की बात, ये कैसे चीजों को हम लोग समझते हैं, कैसे करना चाहिए, लाइन पे फोकस करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है? सिंपल लाइन पे फोकस करो।